रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरजाना जान है और ट्रांसैक्शन अलायंस की प्रेसिडेंट हूँ केपीके पाटा से। अभी इसी टाइम हमारे जो है व्हाट्सएप पे खबर आई है कि चारसद्दे में कचरों के पीछे हमारे ख्वाजा सराओ का फंक्शंस था, और जिस फंक्शन पे चारसद्दे का जो तहसील चौक में ताना है उसमें जहांगीर खान इसी जो है वो समेत अपने गारत के गए और ख्वाजा सराओं को वहाँ से घसीटते हुए, बालों से कैंचते हुए उनके कपड़े जो है वो पाड़े गए हैं, और उनके जितने भी फंक्शन में पैसा टका टुका हुआ वो भी उनसे लिया गया, उनसे मोबाइल भी लिए गए, और फिर हवालात में बंद करके उनको जो है बिजली के शाटे देता रहा। तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि इनका गुनाह क्या था, इनके साथ आपने कोई ऐसा चीज़ बरामद किया हो जैसे या पिस्तौल हो या शराब हो या चरस हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो गैर कानूनी हो, या वो असली की नुमाइश कर रहे थे, अगर उस फंक्शन में जो भी ऐसा बैठा हो और आप उन पे मतलब शक करते हो तो आप उनको उठा के ले जाएं। ख्वाजा सरा ऐसा है ही नहीं। और उसके साथ जो अख्तरे के साथ जो 5 स्टूडेंट थे वो भी आप लेके गए और उनको हवालात में ज़बरदस्ती बंद करवाया। इसी तरह अकोड़े में भी DPO साहब ने हमारे फोकल पर्सन जो है साहिल उस पर जो है फंक्शन वहाँ बंद किए। इसी तरह सवाबी में भी हमारे फोकल पर्सन जो है सिद्रा उस पर भी वहाँ फंक्शन बंद किए गए, और इसी तरह स्वात में भी जो हमारी फोकल पर्सन है जेबा उस पर भी वहाँ सब स्टूडेंटों पर वहाँ उनके जो हमारे ख्वाजा सरा है उन पर फंक्शन बंद किए गए। तो हम कहाँ जाएं और किसको फरियाद करें? जो हमारे पाकिस्तान चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, मैं उससे अपील करती हूँ कि आप ट्रांजैक्शन को देखें और ये चीज़ें नोट करें कि हमारा काम हमें नहीं मिला, हमारा तीसरा खाना हमें नहीं मिला, जो 2009 में हुआ, 2012 में भी लान हुआ, 2014 में भी लान हुआ, लेकिन अभी तक उसका कोई हल नहीं निकला। तो प्लीज़ आप हम पे नज़र डालें, हमें इंसान समझें और हमें अपने कारोबार करने दें, और हमें इस पाकिस्तान होने नाते, मुसलमान होने के नाते हमें पूरा हक है पाकिस्तान में जीने का, पाकिस्तान में काम करने का और पाकिस्तान में रहने का। अगर हमें इन चीज़ जगहों से निकाला जाए तो हमें, मैं पाकिस्तान आप चीफ जस्टिस से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, अपील करती हूँ कि आप बताएं कि हम कहाँ जाएं, और आप हमें ये फैसला देना है कि हम जाएं तो कहाँ जाएं, और खुदारा हमारे KPK को नज़रअंदाज ना करे, KPK के ख्वाजा सराओं को नज़रअंदाज ना करे, और हमें बहुत बुरा लगता है कि हम रोज़ रोज़ रोडों पे निकले। वस्सलाम।